वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप गल करांगे व्यवता जीवन दे संबंधी कि केड़ियां ओ कुछ आदतां ने जो व्यवता जिंदगी नूं जहर वांग मिलदियां ने, जिंदगी दे विच जहर घोल दिंदियां ने, बहुत वड्डे पद्धर ते नुकसान करदियां ने। इह आदतां जिन्नी जल्दी हो सके उन्नी जल्दी त्याग देनियां चाहीदियां ने। ज्यादा समां ना गवांदे होए सिद्धी विशे दी सांझ पाउणे हां। सब तों पहली आदत है बेभरोसगी। बहुत ही वार की हुंदा है कि एक इंसान दूजे इंसान से भरोसा करने विच टाइम ले लैंदा है, समां ले लैंदा है, पर यह जिहड़ा रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता, इहदी बुनियाद जां इहदी नीह भरोसे ते टिकी हुंदी है। सो इस चीज़ नूं बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए है। बेभरोसगी नूं जिन्नी जल्दी खत्म करो उन्ना ही इस रिश्ते लिए बेहतर होगा। बहुत जल्दी एक दूजे ते भरोसा करना शुरू कर दिओ तां जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। दूसरी गल, कई बार लोगों नूं घुल मिल के रहने की आदत नहीं होंदी, खास करके अजकल दे बच्चों नूं। तकरीबन घरां दे विच इकलौते बच्चे ने, दो बच्चे भी आने, एक किते पढ़दा हुंदा दूजा किते पढ़दा हुंदा, इकट्ठियां रहने की आदत नहीं होंदी। परिवारां दे विच भी बच्चे रहिंदिया होया इकले कमरिया दे विच रहिंदे ने, पर जदों विआह दे बंधन दे विच बंदा बन्निया जांदा उदों इह जरूरी हो जांदा है। इकट्ठे रहना, परिवार दे नाल रहना, रिश्तेदारां दे नाल रहना, बहुत सारे नवे लोगों नूं मिलना। सो इकले रहन की आदत जां मिलजुल के ना रहन की आदत नूं जिन्नी जल्दी खत्म कर दोगे तां व्यवता जिंदगी दे लई उन्ना बेहतर होवेगा। नहीं करोगे तां बहुत सारियां समस्यावां आउणगियां। तीजी आदत ते अज दी अपने विषय दी आखरी, वह है जिम्मेदारियों तो भजना। बहुत सारे लोगों का हौली उम्र दे विच, थोड़ी उम्र दे विच जो विआह हो जाता है उदों उन्हां नूं जिम्मेवारियों का एहसास नहीं हुंदा, उन्हां नूं जरूरी ते गैर जरूरी काम की पहचान नहीं हुंदी। पर यह रिश्ता इहो जिहा है, इहदे विच जिम्मेवारियों तो भज के बंदा सार नहीं सकदा। जिम्मेवारी अते व्याह एक दूजे दे नाल बहुत डूंघे रूप विच जुड़े हुए ने। सो जिस इंसान नूं जिम्मेवारियां तों भजना वधिया लगदा है उसनूं इह गल समझ लैणी चाहीदी है कि व्यवता जीवन दे विच इस चीज़ लई कोई थां नहीं। जिम्मेवारियां तों भजन दी आदत नूं जिन्नी छेती छड्ड दित्ता जाऊगा उन्ना ही व्यवता जिंदगी दे लई बेहतरी रहेगी।